प्लस होममेड डिशेस। आज हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं और उसके साथ कीमा भी बनाएंगे। और खिचड़ी और कीमे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी होता है। हमें खिचड़ी और कीमा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने 750 ग्राम्स राइस लिए हैं, 15 मिनट पहले मैंने इसे धोकर भिगो कर रखा है, और हाफ के जी कीमा लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून है। हमें कीमा और खिचड़ी दोनों के लिए इतना काफ़ी है। और गरम मसाला, ये खिचड़ी और कीमे में दोनों में यूज़ होगा। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, खिचड़ी के लिए हरी मिर्चें डालेंगे हम। और ये प्याज 2 सेट मैंने अलग अलग कर कर रखी है, ये कीमे के लिए और एक खिचड़ी के लिए। और ये सब हमारे मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। इतनी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलिए कीमा और खिचड़ी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम कीमा और खिचड़ी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमने गैस को ऑन कर लिया है, दोनों साइड हमने गैस को ऑन कर लिया है। इस तरफ हम खिचड़ी बनाएंगे, जो हमारा बड़ा वाला गैस है उस पर खिचड़ी की तैयारी करेंगे। और इस साइड कुकर में हम कीमे के लिए तैयारी करेंगे, ताकि हमारा डिश जल्दी, दोनों डिश जल्दी से रेडी हो जाए। देखिए, दोनों में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, इसे अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए, हमारे दोनों ऑयल अब गर्म हो चुके हैं, हम इसमें प्याज डालेंगे। आधी प्याज हमने खिचड़ी के लिए ली है और आधी कीमे के लिए। ऐसा करने से हमारे दोनों डिश जल्दी से आधे घंटे में ही पककर रेडी हो जाएंगे। और दोनों को हमें एक साथ अच्छे से चलाना है। हम इस तरफ देखते रहेंगे तो उस तरफ की प्याज जल जाएगी। दोनों तरफ इक्वल हमें बैलेंस रखना है। देखिए, मैं दोनों तरफ अच्छे से चम्मच से चला रही हूँ, ताकि हमारी प्याज दोनों अच्छे से हो जाए, दोनों साइड के चूल्हों पर। हमें 1-2 मिनट टाइम लगेगा इस प्याज को लाइट गोल्डन करने में। बहुत ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ लाइट गोल्डन करनी है। देखिए, मैं अभी अच्छे से चम्मच दोनों साइड चला रही हूँ। देखिए, हमारी प्याज अब गोल्डन हो चुकी है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए, इसे हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हमें 1 टीस्पून डालना है, ताकि हमारी खिचड़ी का कलर अच्छे से आ जाए। और थोड़ा सा भूनेंगे। हमारी कीमे की प्याज अभी हो ही रही है, तब तक हम इसमें सारे मसाले भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हम इसमें मिर्च का पाउडर नहीं डालते, इसलिए हमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि हमारी खिचड़ी थोड़ी सी तीखी हो, थोड़ा उसमें तीखापन आ जाए। कोथिंबीर, हरा धनिया, पुदीना, मैंने सब हरी मिर्चें सब डाल ली है। इसे अच्छे से भून लूँगी मैं, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी। अच्छे से हरी मिर्च और हमारा हरा धनिया सब अच्छे से भुन जाए, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 3 ग्लास राइस लिए हैं, तो मुझे 1-1.5 ग्लास के जितना पानी लेना है। 1 ग्लास
राइस के लिए 1.5 ग्लास पानी लेना है। मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, ऐसे ही 4.5 ग्लासेस मैं पानी डालूंगी उसमें। ये 3 ग्लास हो चुके हैं, ये 4 ग्लास और ये 1/2 ग्लास, टोटल 4.5 ग्लास। हमें 3 ग्लास राइस के लिए पानी लगा है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब हम इसे ढक लेंगे जब तक पानी में उबाल आ जाए। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, जो कीमे के लिए हमने रखी थी। मैंने लो फ्लेम पर रखा था ताकि खिचड़ी की तैयारी पहले से ही हो जाए। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन को हमें अच्छे से भूनना है और इसमें मटन ऐड करेंगे। इसमें बोन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया है कीमे में, प्लेन बोनलेस मटन है हमारा। देखिए इसको बगैर हाथ छोड़े हिलाते रहना है ताकि गांठ ना बने। हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गांठ बन जाएंगी। हाई फ्लेम पे हमें अच्छे से कीमे को हमारे भूनना है ताकि गांठ ना बने। अच्छे से चम्मच को चलाते हुए अच्छे से कीमे को भूनेंगे। इस टाइम हमें अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही डालकर कुछ देर बाद भूनेंगे तो सारा हमारा कीमा गांठ बन जाएगा। देखिए हमारा कीमा अच्छे से भुन चुका है और इसमें गांठ भी नहीं बनी। अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे जो मैंने कीमे के लिए निकाल कर रखी थी। खिचड़ी के लिए मैंने अलग से हल्दी डाली है, तो जो मैंने निकाली थी वो सारी हल्दी, मिर्च और नमक मैंने कीमे में डाल दिया है। सब मसाले डालकर अच्छे से एक बार भूनेंगे और हम लीड लगाकर इसको 1 विजिल आने तक पकाएंगे। हम लीड लगाएंगे। हम ओपन करके देखेंगे। देखिए जब तक हमने कीमा तैयार कर लिया पानी भी हमारा बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें टेस्ट करके देखेंगे कि नमक सही है या नहीं। नमक बिल्कुल सही है। अब हम इसमें चावल को ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखे थे, उन सब चावल को इसमें डालेंगे। हमें सिर्फ चावल डालने चाहिए, उसका पानी अच्छे से निकाल लेना चाहिए। अगर कुछ भी अगर पानी उसमें चला गया तो हमारी खिचड़ी खुली खुली नहीं बनेगी। देखिए मैं सारा पानी निकाल कर सिर्फ चावल इसमें डाल रही हूँ। देखिए हमने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। अब मैं ढक कर इसे पकने के लिए थोड़ी देर तक रखूँगी। अब हमारी इधर 2 सीटियाँ हो चुकी हैं, मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। देखिए हमारे राइस अच्छे से पक चुके हैं। बस 1 मिनट है और राइस को थोड़ा सा पकने में। हम ऐसे ही ढक कर और 1 मिनट तक पकाएंगे। और इस साइड देखिए मैंने कुकर का ढक्कन निकाल लिया है और हमारा कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। देखिए हमने अभी हरे मसाले इसमें डाले हैं और मैं इसे अच्छे से
एक दो मिनट तक भून लूंगी। मैं टेस्ट करके देखूंगी कि नमक मिर्च सही है या नहीं। बिल्कुल हमारा कीमा परफेक्ट तैयार हो चुका है। बस एक मिनट अच्छे से भून कर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अच्छे से सॉफ्ट गल भी गया है ये। देखिए कितना अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए हमारी खिचड़ी भी पानी सारा इसमें सूख गया है। अब हम इसको दम के लिए सिर्फ लो फ्लेम पर सिर्फ एक मिनट के लिए रखेंगे। आप ऐसे ही ढक्कन मूंछ सकते हैं या उसे कपड़े से ढांक कर भी मूंछ सकते हैं, ताकि हमारे जो स्टीम से पानी निकलता है वो पानी हमारे भगोने में ना जाए। देखिए ऐसे हम ढांक कर उसे लो फ्लेम पर सिर्फ एक या डेढ़ मिनट के लिए रखेंगे, तब हमारी खिचड़ी अच्छे से दम हो जाएगी। फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी खिचड़ी और खीमे की रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज बनी है। आप भी बनाइए, और आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।